بسم الله الرحمن الرحيم आप जैसा नौजवान व्यक्ति आया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? भाई, प्राथमिकताएं हैं कि जो वक्फ बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार था, जिसकी शिकायतें थी, उसको दूर किया जाएगा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाएगा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लैंड माफिया, वक्फ माफिया से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ज़मीनें छुड़ाई जाएंगी, लोगों तक इसके फ़ायदे बोर्ड की ज़मीनों के, इसकी आमदनियों के पहुंचाए जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे सारे सदस्य इस बात के ऊपर एकमत हैं और डट के लड़ने के लिए तैयार हैं। वसीम रिजवी 15 साल बाद शिया वक्फ बोर्ड जो है वसीम रिजवी से फ्री हो रहा है, तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों ने पहले ही लगाए हैं, तो किस तरीके से जांच कराएंगे, क्या होगा जांच? तो जैसे कि मेरी नॉलेज है कि सीबीआई जांच ऑलरेडी चल रही है पूर्व चेयरमैन के खिलाफ, और ये तो सीबीआई हमारे देश की सबसे उच्च जांच एजेंसी है, वो तय करेगी। ये बताइए अली जी, सबसे अहम चीज़ ये है कि अब तक मौकिफ के जितने भी बाईलॉज थे वो खुर्द बुर्द हुई है हाई लेवल पे, जो मैनुअल रिकॉर्ड था वक्फ बोर्ड में, और मैनुअल रिकॉर्ड में बहुत पैमाने पे खुर्द बुर्द हुई है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे कि पुराने जो वक्फ लॉज हैं उनको इंक्लूड करेंगे, तलाश करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, एक्ट बहुत क्लियर है, लेकिन क्योंकि एक्ट के हिसाब से बोर्ड चलाया नहीं जा रहा था, लाइट कम करो, और अपनी मनमानियाँ चल रही थी, जो वक्फ अलल आज़ाद हैं, जिनके हक हैं उनसे छीने गए थे, उनको वापस किए जाएंगे। वक्फ अलल खैर में जो अनियमितताएँ थीं उनको दूर किया जाएगा, अच्छे लोगों को नए सिस्टम के साथ एक्ट के हिसाब से लाया जाएगा, जिम्मेदारियां दी जाएंगी, औकाफ को सही से संभालने की, संवारने की, इसमें उसकी एक इंच भी खुटबुट ना हो। मुख्यमंत्री ने बाकायदा भ्रष्टाचार विरोधी एक एरिया चला रखा है, एक स्लोगन चला रखा है, तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हर विभाग में एक्टिव हैं, और भ्रष्टाचार अगर होता है तो जाहिर सी बात उस पर वो कार्रवाई करते हैं। अली भाई, योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देश पे आप क्या आगे कदम उठाने वाले हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर हम पूरी तरह चलेंगे, हम भ्रष्टाचार पे कहीं भी किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचारी कितने ही ताकतवर लोग हों। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सपोर्ट रहेगा, सरकार का पूरा हमारे साथ सपोर्ट रहेगा, हम जल्दी रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी हम लोग जो है टेबल के ऊपर अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे कि हमने कितने कम समय में क्या हासिल किया। हमें सब सरकार से, शासन से, प्रशासन से मदद चाहिए होगी कि हम जल्द से जल्द जो है लोगों को उनका इंसाफ दिला सकें।